ममता बनर्जी काफ़ी गंभीर तरीके से घायल हो चुकी है। हालांकि इसके कई तरीके के अफवाहें सुनने में आ रही है दोस्तों। कोई कह रहा है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, कोई कह रहा है कि उन पर हमला हुआ है, ऐसी कुछ बात नहीं है। ममता बनर्जी जो कि घर में गिरने से उनके सर पर काफ़ी गंभीर तरीके की चोट आई है और डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है कि सीटी स्कैन कराए, तो अब फिलहाल उन्हें सीटी स्कैन कराने के लिए ले जाया जा रहा है। चोट काफ़ी गंभीर तरीके से लगी है और अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल सिर के ऊपर लगी है और इसमें अगर थोड़ा भी ये चोट अगर नीचे लगती तो ममता बनर्जी के आँख घायल होने का ख़तरा हो सकता था, लेकिन वो आँख के ऊपर के हिस्से पे लगी है और फ़िलहाल डॉक्टरों ने उन्हें सीटी स्कैन के लिए भेजने की सलाह दी है। तो अब उनके जो साथ है, उनके पार्टी के मेंबर्स और रिलेशंस है, उन्हें सीटी स्कैन कराने के लिए ले जा रहे हैं। और इसके बारे में मैंने जैसे पहले भी कहा कि कई अफवाहें उड़ने गर्म होना शुरू हो गए, ये तो आजकल की एक कॉमन बात हो गई दोस्तों। कोई भी ऐसी चीज़ होते ही मीडिया उसे झूठ को इस तरीके से परोसता है कि हर कोई वही बात को यकीन मान ले। वैसी ना कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई उन पे हमला हुआ है, ये घर में गिरने के कारण उनके सर पे मार लगी है। हालांकि फर्स्ट एड के बाद ममता बनर्जी ने बात किया और ये कहा कि घर में गिरने के कारण ये सर पे मार लगा है। ये अफवाहें और झूठी खबरें तो चलते रह रही है दोस्तों, मगर सच्ची खबर ये है और इन्हें फ़िलहाल सीटी स्कैन कराने ले जाया जा रहा है। सीटी स्कैन के बाद ये देखा जाएगा कि कोई और ट्रीटमेंट की, जैसा कि कोई ऑपरेशन या कोई वैसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या मेडिसिन से मामला ख़त्म हो जाएगा।